नमस्कार। सो एक सवाल जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि सर आप ने आई हैव गॉन टू टू ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। मेरी बीटेक डीटीयू से है और एमबीए फ्रॉम आईएम बैंगलोर, 2 ईयर फुल टाइम, एंड बहुत ही अपनी अपनी स्ट्रीम के टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अदर देन द हार्ड वर्क एंड द इंटेलिजेंस इज देयर स्पेशल ट्रिक, क्या कुछ खास टिप या ट्रिक है विवेक सर जिससे कि हम एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर सकते हैं? और मैं कहता हूँ हमेशा हाँ। सो शायद वो ट्रिक्स मुझे तब उतनी नहीं पता थी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मैंने कुछ लगाई थी, मेरी खुद की सेल्फ डेवलप ट्रिक्स थी जो आज बहुत काम आती हैं। तो क्या हैं वो ट्रिक्स? तो उससे पहले कि मैं अपनी 3 खास ट्रिक्स पे आऊँ जो कि मैंने शायद खुद के लिए भी इस्तेमाल की थी 24 साल पहले और 20 साल पहले, और जो हमारे नियर एंड डियर स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताता हूँ। और अब वो ये ट्रिक्स आपको शायद जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर ने बताई होगी उससे काफ़ी विपरीत होंगी, तो आप ये ट्रिक भी आजमा के अपने अगले मॉक टेस्ट कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपका रिजल्ट कहाँ पर बेटर हुआ। सो देखिए, जो कॉमन 5-7 चीज़ें हैं उसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। आपको रेगुलरली पढ़ना चाहिए, आपको एक स्टडी प्लान के हिसाब से पढ़ना चाहिए, आपको रिवीजन करनी चाहिए 2-3 बार, आपको अपने डाउट्स क्लियर करने चाहिए, वो सब तो कॉमन चीज़ें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन कॉमन चीज़ों में है जो मैं हमेशा एक कहता हूँ कि देखिए, खासकर जब आप फिजिक्स और मैथ्स कर रहे हैं, एक्चुअली नीट में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स भी आती है, तो बायोलॉजी फिर भी ना काफ़ी मेमोराइज करने का सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिक्स इज़ वेरी वेरी एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक, तो मैं हमेशा बच्चों से एक सवाल पूछता हूँ, खुद ही बताइए एक दिन में 10 घंटे पढ़ना अच्छा है या 5 दिन में 2-2 घंटे? तो एक्चुअली 5 दिन में 2-2 घंटे होता है, क्योंकि उससे ना आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठने लग जाती हैं। अगर आप एक दिन में लगातार 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आज तो सब हो जाएगा, पर शायद 4 दिन बाद ये भूल जाएंगे। तो इसको कहते हैं एप्टीट्यूड डेवलप स्लोली। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन में रेगुलरिटी। आप ये मैं सोचेगा कि अगर मुझे हफ्ते में मैंने प्लान किया 40 घंटे पढ़ने का अदर देन दी क्लासरूम्स, तो एक तो तरीका है कि बस 3 दिन में बिल्कुल ही 16 घंटे पढ़ गया और फिर 3 दिन में आराम कर रहा हूँ। उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि आप हर रोज़ 7-7 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेगुलरिटी ऑफ योर एजुकेशन, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। आपको कभी भी डाउट हो आप तुरंत क्लियर कीजिए, और फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो सही समय पे वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका कोचिंग सेंटर आपको नहीं समझा पा रहा, अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप किसी भी टीचर से संपर्क कीजिए जो पर आर, 2 आर, पर 10 आर बेसिस पे आपको आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे। मैं बार बार कहता हूँ कि वही बच्चे रह जाते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकेंड अटैम्प्ट में भी, जिनके ना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, और ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समटाइम कैन गो रियली बैड। तो आप मान सकते हैं कि आप नीट का पेपर दे रहे हैं या जेई का पेपर दे रहे हैं और अभी भी आपको फिजिक्स में स्ट्रेट मोशन की क्लैरिटी नहीं है या न्यूटन्स के लॉ की क्लैरिटी नहीं है, या ठीक ठीक से नहीं समझते कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोशन क्या होता है, किरचॉफ लॉस क्या होते हैं, और आप कर रहे हो जेई और नीट की तैयारी। और ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो आपको चाहे खुद से कि आपका टीचर आपको 10 बार पढ़ाए, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब तो हो गई आपकी प्रिपरेशन के दौरान चीज़ें कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मॉक टेस्ट लेना। और मैं बार बार कहता हूँ कि सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स रिलेटिव एग्ज़ाम होते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके प्रैक्टिस टेस्ट में 720 में से 600 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं। आप हमेशा ये देखिए कि आपकी रैंक कितनी आ रही है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत आसान पेपर बना सकता है सबके 600 आ जाएंगे, बहुत मुश्किल बना सकता है सबके 500 आ जाएंगे। हमें तो ये देखना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो विज़ विज़ दी एंटायर अदर बैच। क्योंकि एक अगर आप एक 10,000 बच्चों में अपना कंपेरिजन कर रहे हो, 10,000 में टॉप 100 में हो, दैट मीन्स यू आर इन द टॉप 99 परसेंटाइल। तो जब 1,000,000 बच्चे भी लेंगे तो भी आप टॉप 99 परसेंटाइल में रहेंगे और आपको सरकारी सीट मिल जाएगी। देखिए, नीट में रफली स्पीकिंग 16,00,000 बच्चे बैठते हैं, 40,000 सरकारी सीटें हैं, बहुत रफली, जबकि हम जानते हैं कि नीट में स्टेट कोटा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और दिल्ली में 620 पे सरकारी सीट नहीं मिलती, और हिमाचल में आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर 510 नंबर पे ही मिली थी। बट उन सब चीज़ों की डिटेली में ना जाते हुए रफली स्पीकिंग 16,00,000 में अगर 40,000 सरकारी सीटें हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली 2.5% बन जाता है।
दैट मीन्स अगर आप 97.5% से ऊपर आपका फाइनल स्कोर आता है तो आपका उम्मीद है। और इसमें भी देखिए फिर जनरल कैटेगरी नॉन जनरल में भी फ़र्क आता है, तो जनरल के हिसाब से तो वी आर वेरी श्योर कि 98.5 एंड अबव होना चाहिए, क्योंकि एसटी में थोड़ा सा आपको 95% तक भी मिल जाता है। हम ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं, कैटेगरी रैंक में तो सेम ही रूल लागू हो जाता है। तो आपको हमेशा ये तैयारी करनी है। लेकिन अब वो तीन ट्रिक्स क्या हैं उन पे आते हैं। ट्रिक नंबर वन, नीट में एक क्वेश्चन में कितनी ऑप्शंस होती हैं? 4। ठीक करने पे +4, गलत होने पे -1। तो इमेजिन कीजिए आपको 4 क्वेश्चन लगातार नहीं आते, आपने चारों में बी 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 लगा दिया। एक तो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, कि 4 ऑप्शन में शायद एक ऑप्शन का आंसर ए था, एक का बी था, एक का सी था, एक का डी था, आपने चारों में भी लगा दिया, आपका एक ठीक हो गया, 3 गलत मिले, +4 गए -3, तो यू आर इन प्रॉफिट ऑफ +1। यस, तो जहाँ पर भी 4 ऑप्शन है और 4 प्लस और -1 का स्कोरिंग हो रहा है, तुक्का लगाना, गैस वर्क करना आपके फेवर में है। तो टीचर्स हमेशा मना करते हैं गैस वर्क मत कीजिए। देखिए वो बातें ठीक है, अगर आप 180 क्वेश्चन में आपको पता है कि आप 170 ठीक कर चुके हैं और आपके ऑलरेडी 680 नंबर आ रहे हैं, तो शायद आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मार्जिन है, अगर आपको पता है कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है या मैं 570-80 की रेंज में हूँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। तो गैस वर्क कीजिए जब भी ये इक्वेशन है, अगर वही 5 ऑप्शन हो और फिर आपको +4 -1 मिल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता। अब लेट से 4 में से कभी कभार आपको ये पता है कि ये ऑप्शन तो पक्का हो ही नहीं सकती, ये हमें पता है बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन, विच इज़ द सेकेंड बिगेस्ट ट्रिक। तो मैंने एक ट्रिक बोली गैस वर्क कीजिए, सेकेंड मैं ट्रिक बताता हूँ, कभी कभार आपको ना आंसर नहीं पता होता, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये फ़ायदा होता है कि आप रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको ये मालूम है कि 4 ऑप्शन में तो गिवन है ना, तो अगर इस ऑप्शन में आंसर नहीं फिट हो रहा, उसमें नहीं फिट हो रहा, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती। तो समटाइम आपको राइट आंसर नहीं पता होता है, लेकिन आप रिवर्स कैलकुलेशन करके ये पता कर सकते हो कि ये तीन चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या आ गया चौथा, तो सेकेंड बिगेस्ट ट्रिक कि ऑप्शंस का इस्तेमाल कीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आंसर करने में। और इसी को अगर मैं ट्रिक नंबर वन से जोड़ दूं, खासकर अगर आपने 2 एलिमिनेट कर लिए या एक भी एलिमिनेट कर दिया या 2 कर दिया, तो अब तो 2 बचे, एक ठीक है एक गलत है, फिर तो आपको 100% गैस वर्क उस क्वेश्चन में करना ही करना। और बिल्कुल कभी कभार जय माता दी, कभी कभार जो भी आपका रिलीजन है, ए बी अगर आए, बी एस सी आपके बचे हुए हैं, तो आप बिल्कुल अकड़ बकड़ करके भी टिक मार्क लगा सकते हैं, आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो चॉइसेस का इस्तेमाल कीजिए, गैस वर्क से पीछे मत हटिए। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक, हमेशा उस सेक्शन से स्टार्ट कीजिए जो आपका वीकेस्ट है। कभी कभार कोचिंग सेंटर वाले बोलते हैं उस सेक्शन से स्टार्ट कीजिए जो आपका स्ट्रांगेस्ट है। इशू ये हो जाता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस ही मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा हो, कोई भी इंसान हो, लगातार 3 घंटे का कॉन्सेंट्रेशन डेवलप या मेंटेन नहीं कर सकते। 180 क्वेश्चन पढ़ना ही बहुत मुश्किल है, तभी तो हम बार बार मॉक टेस्ट लेते हैं उसकी तैयारी करने के लिए, पर फिर भी मुश्किल होता है। जो मॉक टेस्ट भी ले रहे हैं तो भी कौन सा हमारा कॉन्सेंट्रेशन, और चेक कीजिएगा कि जिस शिद्दत के साथ आप पहले 5 मिनट आप वार्म अप हो रहे होते हैं, 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक जो आपका दिमाग चल रहा होता है, वो आखिरी के 30 मिनट में नहीं चल रहा होता, राइट। अब लेट से वो सेक्शन जो आपके लिए सबसे टफेस्ट है, उसको आपने लास्ट के लिए छोड़ दिया, तो वैसे ही आपका दिमाग थक चुका है और वैसे ही आपको सेक्शन नहीं आता, तो फिर तो बिल्कुल ही आपका बंटा धार हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आपने टफेस्ट क्वेश्चन को ना पहले 1.5 घंटे में निपटा लिया, और वो सेक्शन जो आपको बिल्कुल स्ट्रांग है, वो अगर आपने आखिरी हाफ एन आवर में भी कर रहे होंगे, तो भी आपको मालूम है कि आप उसको कर पाओगे, क्योंकि आपको अच्छे से आता है, तो आप थके दिमाग से उस क्वेश्चन को कर लोगे। सो तीसरा ट्रिक ये हो गया कि जो आपका स्ट्रांगेस्ट सेक्शन है उसको पहले कीजिए। तो फिर से पहला ट्रिक, गैस वर्क से पीछे मत हटिए, दूसरा ट्रिक ऑप्शंस का इस्तेमाल कीजिए, और तीसरी ट्रिक जो भी आपका स्ट्रांगेस्ट सेक्शन है उसको पहले कीजिए। इन 3 ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे अलॉन्ग विद योर जो आपने एग्ज़ाम से पहले का हार्ड वर्क किया है। देखिए ये ट्रिक्स हैं एग्ज़ाम के दिन के लिए, उससे पहले का जो हार्ड वर्क है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, 3 घंटे बैठने की आदत, बहुत सारे मॉक टेस्ट करना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना, और वो सब तैयारी करने के बाद रेगुलर पढ़ाई करना, इन 3 ट्रिक का आप एग्ज़ाम डे पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको पहले ही अटेम्प्ट में आपका गवर्नमेंट सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। हैव अ नाइस डे।